कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेसियों ने आज बिंदुकता कार रोड स्थित शहीद स्मारक से तहलसी चौराहे तक भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगा रैली निकाली। कांग्रेसी रैली के दौरान कांग्रेस का झंडा व देश का तिरंगा थामे हुए थे। यहां कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदुकता कार रोड स्थित शहीद स्मारक से तहसील चौराहे तक तिरंगा रैली निकाली, जो कि पूरे शहर में घूमते हुए तहसील चौराहे पर पहुंची। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने क्षेत्र व प्रदेशवासियों को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 28 दिसंबर सन 1885 को अंग्रेजों से लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें सफलता मिली। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है तथा वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पूरा भारतवर्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां यहां पर स्थापना दिवस मना रहा है, और जैसा आप जानते हैं कि 136 साल पुरानी कांग्रेस, जिसने इस देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया, और आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हम लोग याद कर रहे हैं, उन वीर शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिन्हें इस देश को आज़ाद करके आज विश्व के मानचित्र पर उसको भारत का नंबर वन बनाया था। और आज हम इस यात्रा के माध्यम से, इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को कहते हैं कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय तिरंगा है, जो भारतवर्ष हमारा जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस राष्ट्रीय तिरंगे को आज हम नमन करते हैं। और आज इस तिरंगे के माध्यम से सभी लोगों को संदेश देते हैं कि भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म सभी लोगों के साथ लेकर चलने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, आज उसका ये संदेश है कि भारत अभी भी संगठित है, एक फूलों का गुलदस्ता लेकर इस देश को चलाने वाली पार्टी है। आज इसीलिए 136वें स्थापना दिवस पर आज हम सभी भाई लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने यहाँ पर एकजुटता का परिचय देकर के स्थापना दिवस को मनाया है। इसलिए हम सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसका बड़ा भारी उद्देश्य है, इसका राष्ट्रीय उद्देश्य है और जनहित का उद्देश्य है। आज 136वां जो राष्ट्रीय स्थापना दिवस कांग्रेस का है, वो आज बड़े उत्साह के साथ पूरे देश में विदेशों में मनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक संदेश देश को दिया, आज़ादी दिलाई, देश में समग्र विकास की भावनाओं को फैलाया। तो इसलिए आज झंडा ये झंडा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जिसने देश की एकता, अखंडता और सर्वधर्म सम्भाव की भावनाओं को मजबूत करके ताकत दी है, बल दिया है, युवाओं को आगे बढ़ाया है, माता शक्ति का सम्मान किया है, बुजुर्गों का सम्मान किया है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर मिलने का एक आह्वान किया। ये ऐसी महान पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, इस देश का स्थापना दिवस बड़े ज़ोरदार तरीके से यहाँ भी पूरे देश में, जनपद में, राज्य में और पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी कांग्रेस जनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ।